श्रोमणी अकाली दल ने अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तुहानू दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल ने 2022 दीआं चोणां विच जलालाबाद तो श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार होणगे। उन्हां वल्लों इह ऐलान कर दिता गया है। तुहानू दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल वल्लों स्टेज ते इह ऐलान किया गया है कि 2022 दीआं चोणां दे विच जलालाबाद तो श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार होणगे ते उन्हां ने पहले उम्मीदवार के तौर पर यह ऐलान कर दिता है। जिसके चलते सुखबीर सिंह बादल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जंग जरूर जितनी है। मामला पहले मामला भरते होंगे सी बंद किया, ट्यूबल के बिल माफ किए, ट्यूबल कनेक्शन पहले बादल साहब रखिया आप 5 साल तक के 4 साल होने ते पहले 10-5 साल कर देंगे सी दसो क्यों एक भी कनेक्शन दे चल सारे फैसले जिन्ने भी दिते गरीब नू किसान नू मजदूर नू व्यापारी नू हर कैटेगरी के लोगों नू जो भी दिती सहूलत दिती सब प्रकार श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान हो रहा है। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी है, पंजाबियों की पार्टी है, पंजाबियों के दुख तक जानती है। कांग्रेस पंजाबियों की पार्टी नहीं है, हुक्म गांधी परिवार तो आए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाबी की पार्टी नहीं है, दिल्ली तो केजरीवाल हुक्म दिता है। असी जीना भी इतने मरना भी इतने। मेरे पंजाब के वासियों, पंजाब तकड़ा ता है कि श्रोमणी अकाली दल तकड़ा, अपनी कौम तकड़ी ता है कि श्रोमणी अकाली दल तकड़ा। तो इस करके 100 साल पुरानी नूं पार्टी नूं तकड़ा रखो जे पंजाब नूं बचाउणा है। ताइयों जिन्ना भी कम होया है, भावें एयरपोर्ट, सड़कां, बिजली दे थर्मल प्लांट, सारी थोड़ी पंजाब की पार्टी ने बनाई है। कांग्रेस के टूटी अलग से सोच नहीं सकता। इस करके मैं अखीर में आई कहना चाहना खुंडे ते ऐसे आम रे ने बहुत जुल्म किया है। ऐसे आम रे ने बहुत धक्का किया है, मेरे वर्करां ने धक्का किया है, छोटे छोटे मेरे बच्चों ने अपने वर्करां के बच्चों ने धक्का किया है। खुनू चिंता करने की लोड़ नहीं। मैं अज ऐलान करता है आमला साहब, थोड़े जुल्म का हम खात्मा सुखबीर सिंह बादल करूंगा। जलालाबाद वाले हो, एक टोपी नू लड़ाना चाहते हो, हाथ खड़े करके दसो कि ना ले लो ना लो। सुखबीर सिंह बादल वालों श्रोमणी अकाली दल के अपने पहले उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम जो है उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वालों ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक चैनल को लाइक और शेयर करो।